खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इकबाल की कही हुई ये लाइनें खबीब की ज़िंदगी पर बिल्कुल सही बैठती हैं। खबीब रशियन फेडरेशन के एक यूएफसी फाइटर हैं जो आज उन बुलंदियों पर हैं जहां तक पहुंचना हर किसी फाइटर का सपना होता है। और खबीब पहले मुस्लिम यूएफसी फाइटर हैं जो यूएफसी वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं, और वो यूएफसी एमएमए इतिहास के लॉन्गेस्ट अनडिफीटेड फाइटर भी हैं। खबीब अपनी दमदार बियर हग फाइटिंग टेक्निक के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने बचपन में रशिया में भालू के साथ प्रैक्टिस करते हुए सीखी है। तो आइए जानते हैं उनकी ये बायोग्राफी जिसने उन्हें यूएफसी का सबसे खतरनाक फाइटर बना दिया है। इनका पूरा नाम है खबीब अब्दुल्ला मैनपोविच नर्मागोमेदोव, जो खबीब द ईगल के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म 20 सितंबर 1988 में हुआ था रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान में, जो रशियन फेडरेशन में है। दागिस्तान पहाड़ों में बसा एक दुर्गम इलाका है जो यहाँ के लड़ाकू लोगों के लिए प्रसिद्ध है, और खबीब भी खुद को इन वॉरियर्स का वंशज मानते हैं। खबीब के पिता अब्दुल मनाप रशियन आर्मी में थे। आर्मी का डिसिप्लिन तो उनमें था ही, साथ ही वो जूडो, कॉम्बेट सैम्बो और फ्रीस्टाइल रेसलिंग में नेशनल चैम्पियन भी थे। जाहिर है अब्दुल मनाप ने खबीब को मिलिट्री का डिसिप्लिन और आर्मी रेजिमेंट स्टाइल में फाइटिंग सिखाई थी। खबीब के पिता ने अपने 2 मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर पर ट्रेनिंग जिम बना लिया था, जिसमें वो खबीब के साथ दूसरे बच्चों को भी ट्रेनिंग देते थे। 10 साल की उम्र में जहाँ बच्चे सोफे पर बैठकर आराम से वीडियो गेम्स खेलते हैं, और वहीं इस उम्र में खबीब को उसके पिता भालू के साथ लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। 17 साल की उम्र तक आते आते वो जूडो में ब्लैक बेल्ट थे और साथ ही 2 बार कॉम्बेट सैम्बो वर्ल्ड चैम्पियन भी बन गए थे। यूएफसी में आने से पहले कई बार उन्होंने स्ट्रीट फाइट्स में फाइटर्स को धूल चटाई थी, और 20 साल की उम्र में 2008 में उन्होंने प्रोफेशनल एमएमए फाइटिंग में डेब्यू किया। महीने भर के अंदर उन्होंने 4 में से 4 फाइट्स जीत ली, और मॉस्को इवेंट में हुए इनॉग्रल एंथरिम कप टूर्नामेंट में वो चैम्पियन बने। रशियन रीजन में खबीब के 16-0 के रिकॉर्ड को देखते हुए यूएफसी में उनका जाना तय हो गया। 2011 में यूएफसी ने खबीब के साथ लाइटवेट डिवीजन में 6 फाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट किया। खबीब सभी 6 फाइट्स जीते, और एबल ट्रुजिलो के साथ हुई फाइट में उन्होंने एक फाइट में सबसे ज़्यादा 21 टेकडाउन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला, वो भी सिर्फ 27 अटेम्प्ट्स में। अब खबीब का खौफ यूएफसी में इस कदर बैठा कि उन्होंने गिलबर्ट मेलेंडेज और नेट डियाज, जो कॉनर मैग्रेगर को यूएफसी में हरा चुके थे, जैसे फाइटर्स को चुनौती दी, लेकिन दोनों ने किसी वजह से उनसे फाइट लड़ने से इनकार कर दिया। सितंबर 2016 में यूएफसी ने खबीब के साथ एडी एल्वरेस के खिलाफ लाइटवेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल शॉट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन एल्वरेस ने भी खबीब के साथ फाइट लड़ने से मना कर दिया, और उन्होंने ये फाइट कॉनर मैग्रेगर के साथ लड़ी। खबीब ने अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर यह कहकर निकाली कि एल्वरेस एक डरपोक बुलशिट चैम्पियन है। खबीब का इंतज़ार अप्रैल 2018 में ख़त्म हुआ, जब उनका मुकाबला लाइटवेट चैम्पियनशिप के टाइटल शॉट के लिए अल लैक्विंटा से हुआ। उन्होंने ये मैच पूरी तरह से डोमिनेट किया और पहले मुस्लिम यूएफसी लाइटवेट चैम्पियन बनने का खिताब अपने नाम किया। खबीब ने अब तक यूएफसी में हुए 26 मुकाबलों में से सभी में जीत हासिल करके लॉन्गेस्ट अनडिफीटेड फाइटर रहने का रिकॉर्ड बनाया है, और हाल फिलहाल लगता भी नहीं है कि कोई खबीब को हरा पाएगा। उनका अगला मुकाबला कॉनर मैग्रेगर से होगा। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये फाइट कौन जीतेगा, क्योंकि कॉनर मैग्रेगर खुद एक बेहतरीन फाइटर हैं, जिन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2013 में उन्होंने शादी की है और उनका एक बेटा भी। खबीब रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के बड़े फ़ैन हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनके फेवरेट फुटबॉलर हैं। खबीब ईगल एमएमए फाइटिंग के प्रेसिडेंट भी हैं, जहां यूएफसी के नेक्स्ट रशियन फाइटर्स ट्रेनिंग लेते हैं। खबीब दिन में 2 बार थका देने वाली मिलिट्री रेजिमेंट स्टाइल ट्रेनिंग करते हैं, और उनके पिता ही उनके कोच हैं। खबीब को लड़ते हुए देखकर लगता है कि उन पर अल्लाह का करम है।
और अल्लाह पर अपने अटूट विश्वास को बताते हुए खबीब कहते हैं कि उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह पर मेरा विश्वास कितना मजबूत है। बाकी फाइटर्स टाइटल बेल्ट्स जीतते हैं और मैं लोगों का दिल। दोस्तों, खबीब की बायोग्राफी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एल्टी मोटिवेशन पर अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत अपने मोबाइल में पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। मैं ध्रुव मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।